So we are starting with, so we have done with sweat equity share, share with employee benefit, ICDR, and now we are moving towards the last chapter, that is to be called as delisting. Ab delisting kya hota hai? Entire concept, let's move towards the same. Ab dekhiye, abhi delisting of shares kya hai? Now delisting, ab ye jo aap diagram dekh rahe hain, नॉट डी लिस्टिंग ऑफ शेयर्स. सो डी लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉट डी लिस्टिंग मीन्स कि आप स्टॉक एक्सचेंज से एग्जिट ले लेते हो. दैट थिंग इज टू बी कॉल्ड एज डी लिस्टिंग. नाउ वट इज बींग सेड, नाउ वट इज बींग सेड दैट यहाँ पे डी लिस्टिंग दो तरीके से होता है. नाउ सो डिलिस्टिंग दो तरीके से होता है. एक होता है कंपल्सरी डिलिस्टिंग, दूसरा होता है वॉलेंट्री डिलिस्टिंग. अब वॉलेंट्री डिलिस्टिंग जो होता है वो दो तरीके से होता है. वन इज़ वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंड इज़ वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज. इसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड डिलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज. आप देखो यहाँ पे what is being said that agar wo stock small company jo hai now whether listed on any of the stock exchange, so that is another type of voluntary delisting. ab hum log jab compulsory delisting ki baat karte hain, now ab hum log jab compulsory delisting ki baat karte hain to aise case mein what is being said that stock exchange aapko compulsorily kab nikalega. stock exchange aapko nikal bahar karta hai apne platform se, तो ऐसा क्यों करेगा? ड्यू टू स्टैचुटरी नॉन कम्प्लायंस. एंड यहाँ पे अगर कंपनी को एक्सचेंज निकाल रहा है तो कंपनी को एक्सचेंज क्यों निकाल रहा है? मतलब ज़रूर एक्सचेंज कंपनी ने कुछ ना कुछ नॉन कम्प्लायंस किया होगा. तो यहाँ पे अगर एक कंपनी जो लिस्टेड कंपनी थी जिसमें पब्लिक शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया था, अगर वो कंपनी डिलिस हो जाती है तो क्या इसमें शेयर होल्डर की गलती थी? नहीं. नॉन कम्प्लायंस किसने किया था? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, कंपनी के प्रमोटर ने, कंपनी के KMPs ने. तो यहाँ पे जो पब्लिक शेयर होल्डर हैं उनको एग्जिट प्राइस का पेमेंट किया जाता है. क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे वॉलेंट्री डिलिस्टिंग जो है फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है कि रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज इज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. एंड इसका मतलब जब हम लोग बोलते हैं कि रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं दैट कंपनी कंटिन्यू टू बी लिस्टेड ऑन NSE BSE. दूसरा सिचुएशन होता है दैट रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, मतलब कंपनी नॉट कंटिन्यू टू बी लिस्टेड ऑन NSE and BSE. अब तो अगर कंपनी NSE BSE पे लिस्टेड है तो वहाँ पे एग्जिट प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है टू द पब्लिक शेयर होल्डर. लेकिन कंपनी NSE BSE पर लिस्टेड नहीं है तो आपको एग्जिट प्राइस पे करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज सारे स्टॉक एक्सचेंज डिलिस्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको एग्जिट प्राइस पे करना पड़ेगा टू द पब्लिक शेयर होल्डर. इसके अलावा अगर हम लोग वॉलेंट्री डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कंपनी, तो वहाँ पे कोई बिडिंग नहीं होता एंड एग्जिट प्राइस नीड टू बी पेड. अब अंडर द न्यू डिलिस्टिंग रेगुलेशन विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी इन 2021, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग ना ब्रॉडली दो तरीके हो गई है. एक वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज वेयर रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, एंड दूसरा वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज. अब ये है क्या? वट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल? अब ये सब क्या है पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. बट बिफोर दैट ये जो पूरा डायग्राम है ये आपको कॉपी करना है. तो जितने लोग वीडियो में देख रहे हैं वीडियो पॉज करिए और कॉपी कर लीजिए. सो आई बिलीव यहाँ तक कॉपी कर लिया है. नाउ दिस इज वेयर यू हैव टू राइट दैट सो डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, कंपल्सरी डिलिस्टिंग, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज, फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज, फ्रॉम स्मॉल कंपनीज. अब यहाँ पे फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज में रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज नॉट हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. सो दिस मच पार्ट हैव टू बी नोट.
अब हम लोग ना पहले इस कॉन्सेप्ट को बैठाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, किस तरीके से ऑपरेट करता है। लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट विद अटमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब देखिए, अब यहाँ पे ना देखो, याद रखना कि एवरी लिस्टेड कंपनी इज गवर्न बाय, हर एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर कौन कौन से प्रोविजन्स एप्लीकेबल होते हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेबी, ICDR रेगुलेशन 2018, देयर इज समथिंग सेबी LODR रेगुलेशन 2015, देयर इज समथिंग कॉल्ड SCRA 1956, देयर इज समथिंग कॉल्ड SCRR 1957 now, and there is other SEBI Act 1982 and other applicable regulation. क्लियर। अच्छा, हम लोग जब यहाँ पे ICDR की बात कर रहे हैं, सो वी टॉक अबाउट इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट LODR, वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्लियर। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, अब पहले क्या होता था और अब इसके बाद क्या अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट का क्या इफेक्ट है, ये भी बताता हूँ आपको। पहले क्या होता था, दैट एज पर SCRA 1956, सो एज पर SCRA 1956 रेड विद सेबी LODR रेगुलेशन 2015 and SEBI ICDR regulation 2018. Now what is being said, that securities of company is, अब देखो, अगर किसी कंपनी को लिस्ट होना है तो कंपनी की सिक्योरिटीज मैंडेटरी लिस्टेड कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे सो मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज before list, so mandatory required to be listed on stock exchange within whose jurisdiction, so within whose jurisdiction registered office, so registered office of the company is situated. तो यहाँ पे requirement of law क्या था कि अगर किसी company की securities को list करना है तो mandatory कौन से stock exchange में list करना पड़ेगा, within whose jurisdiction the registered office of the company is situated, एंड ऑप्शनली कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, सो ऑप्शनली रिक्वायर टू बी
लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्रमोटर। तो जहाँ जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, प्रमोटर डिसाइड करेंगे, उस एक्सचेंज के सामने, नाउ उस एक्सचेंज के सामने कंपनी को अपने को लिस्ट कराना पड़ेगा। क्लियर? ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ पहले था, इसलिए इंडिया में पहले 23 से ऊपर स्टॉक एक्सचेंज थे। सो वी हैव दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, वी हैव अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, वी हैव बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, वी हैव मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, से बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे। अब एक चीज़ आगे समझो, अगर मेरे को इन सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन अगर मेरे को सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन करना है तो यहाँ पे इन सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नाउ बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज शैल टेक प्लेस थ्रू स्टॉक ब्रोकर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन करना है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो जो भी बाइंग एंड सेलिंग और सिक्योरिटीज होती है वो किसके थ्रू होती है? ब्रोकर के थ्रू। अब सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर एक कंपनी की सिक्योरिटीज को बाय और सेल कब कर सकता है? तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट इन सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन सी बाइंग एंड सेलिंग कैसे हो सकती है? ब्रोकर के थ्रू। तो स्टॉक ब्रोकर कौन सी कंपनी के शेयर्स बाय और सेल कर सकता है? अब ये चीज़ समझो, अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर हूँ तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं उन कंपनीज की सिक्योरिटीज़ का परचेज सेल कर सकता हूँ। अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर हूँ तो NSE में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनकी बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूँ। मतलब एक ब्रोकर जिस स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है और जिस एक्सचेंज का उसके पास ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, उस एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनकी वो ट्रेडिंग कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन स्टॉक ब्रोकर कैन नाउ सो स्टॉक ब्रोकर कैन परचेज कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑफ दोज कंपनीज। नाउ यहाँ पे तो स्टॉक ब्रोकर कैन परचेज सेल सिक्योरिटीज ऑफ दोज कंपनी विच आर लिस्टेड ऑन which are listed on such stock exchange listed on such stock exchange when such स्टॉक ब्रोकर इज
मेंबर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज प्लस हैव ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया मतलब ये है कि अगर सच स्टॉक एक्सचेंज प्लस हैव हैव ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज। मतलब क्या हो गया मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन में एक स्टॉक ब्रोकर उन कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल कर सकता है विच आर लिस्टेड ऑन अ ऑन सच स्टॉक एक्सचेंज व्हेन सच स्टॉक ब्रोकर इज। क्या कंडीशन है कि वो स्टॉक ब्रोकर उस स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए प्लस उस स्टॉक ब्रोकर के पास उस एक्सचेंज का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। क्लियर? अब पहले एक बार इतने को कॉपी करिए और इतने को रीड करिए। नाउ कॉपी द रिमेनिंग पार्ट एंड रीड दिस पार्ट ऑल्सो। सो आई बिलीव दिस मच पार्ट इज क्लियर। नाउ कॉपी एंड रीड दिस पार्ट ऑल्सो। सो आई बिलीव दिस मच पार्ट इज क्लियर। अब देखो तो इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि अगर एक कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उस कंपनी आज रिलायंस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो रिलायंस के शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन में अगर रिलायंस के शेयर्स को परचेज या सेल करना है तो कौन कर सकता है? वो स्टॉक ब्रोकर कर सकता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर हो प्लस जिसके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हो। इतना क्लियर? अब यहाँ पे क्या दिया है, अब अगर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं देन इंडेक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देन नंबर ऑफ कंपनीज कंपनीज फॉर्मिंग इंडेक्स ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, अब अगर हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं अगर हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। क्लियर? वी नो दिस पार्ट। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नंबर ऑफ कंपनीज फॉर्मिंग इंडेक्स ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज, तो सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं? तो सेंसेक्स इज कंप्राइजिंग ऑफ 30 कंपनीज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? बोल्ट। सेम वे नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, अगर हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या बोलते हैं? निफ्टी। एंड नंबर ऑफ कंपनीज जो निफ्टी बनाता है इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 50 कंपनीज
एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को बोलते हैं नीट। ओके आप देखो, अब होता क्या है, देखो आज इंडिया की नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल जो है ना वो आज भी मुंबई है। एंड बॉम्बे को माया नगरी बोलते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स बोलते हैं, मतलब बॉम्बे का ना एक अलग क्रेज़ है। और ये आपने भी रियलाइज़ किया ही होगा, अगर आपके रिलेटिव आउट सेशन बॉम्बे के बाहर से बॉम्बे में आते हैं तो दे आर एक्स्ट्रा एक्साइटेड होते हैं कि बॉम्बे में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा फैसिनेशन है टूवर्ड्स बॉम्बे। एंड बॉम्बे में पहले जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हुआ करते थे वो पहले सब बॉम्बे में थे, तो टाटा रिलायंस सब बॉम्बे में थे। अब हुआ क्या, और पहले क्या होता था कि अब पहले के रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या था कि अगर एक कंपनी को लिस्ट होना है तो उसको कहाँ पे लिस्टिंग होना मैंडेटरी है, उस स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अब कंपनी के जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन सब का रजिस्टर्ड ऑफिस पहले बॉम्बे में था, तो वहाँ पे वो सब कंपनीज मेजरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे। अब एक चीज़ समझो, इन्वेस्टर तो पूरे इंडिया में एक जैसा ही होता है, तो अगर आज आप बॉम्बे में बैठे हो या आप केरला में बैठे हो, आप बीकानेर में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, आप असम में बैठे हो, आप परचेस तो रिलायंस के शेयर्स परचेस करना चाहते हो, टाटास के शेयर परचेस करना चाहते हो, तो अगर आप परचेस करना चाहते हो रिलायंस के शेयर्स टाटास के शेयर्स जो बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो आप क्या करोगे, आप आपके यहाँ जो ब्रोकर है उसके पास जाओगे एंड ब्रोकर से बोलोगे भाई मेरे को रिलायंस के शेयर परचेस करना है। अब आपके यहाँ का ब्रोकर रिलायंस के शेयर्स को कब परचेस कर पाएगा, जब वो ब्रोकर रिलायंस कहाँ पे लिस्टेड है, सोचो रिलायंस कहाँ लिस्टेड है, टाटास कहाँ लिस्टेड है, TCS कहाँ लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप बैठे हो बीकानेर में, आप बैठे हो दिल्ली में, आप बैठे हो असम में, ठीक है। अब आप अपने ब्रोकर के पास जाते हो और आप अपने ब्रोकर को बोलते हो कि मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर परचेस करने हैं, तो आपका ब्रोकर आपको रिलायंस के शेयर परचेस कब करने में हेल्प कर सकता है, जब आपका ब्रोकर किसका मेंबर होना चाहिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और उसके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसका मतलब इंडिया के जितने भी ब्रोकर्स हैं ना, दे रियलाइज कि अगर उनको मार्केट में बने रहना है, मार्केट में बिजनेस करना है, सो दे नीड टू बी अ मेंबर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दे नीड टू बी अ मेंबर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज इंडिया की जितनी भी मेजर कंपनीज हैं वो सब इन्हीं एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। तो इंडिया के जितने भी ब्रोकर थे उन सब ने अपने को BSE का मेंबर बना लिया, NSE का मेंबर बना लिया। इसका मतलब अब अगर मैं एज ए इन्वेस्टर बॉम्बे में हूँ, केरला में हूँ, कोचीन में हूँ, बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर में हूँ, बीकानेर में हूँ, असम में हूँ, दिल्ली में, कहीं पर भी हूँ, मैं अपने ब्रोकर के पास जाता हूँ बिकॉज मेरा ब्रोकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, तो मैं BSE की लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर पा रहा हूँ। ये समझा? आप देखो, इसका मतलब BSE NSE का जो रीच था वो पूरे इंडिया में फैल गया। एग्री और नॉट? अब बिकॉज NSE BSE का रीच पूरे इंडिया में फैल गया, अब मैं एक IT कंपनी हूँ, मैं इंफोसिस हूँ, अच्छा रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या बोलता था, मैं पहले आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलता था कि आपका जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ के एक्सचेंज पे तो आपको लिस्ट होना मैंडेटरी है। अब मैं इंफोसिस हूँ, मैं बैंगलोर में लिस्टेड हूँ, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो मेरे को कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट होना मैंडेटरी है, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के शेयर्स पूरे इंडिया में हर इन्वेस्टर ट्रेड कर सके, तो क्वेश्चन ये है कि क्या बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पूरे इंडिया में है सारे ब्रोकर्स के पास? नो। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इंडिया के सारे ब्रोकर्स के पास जाऊं और उनको बोलूं कि आप लोग बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बन जाओ, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज जो भी 4-5 करोड़ का डिपॉजिट मांगता है आपसे वो भी दो और आप बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बन जाओ। तो क्वेश्चन अराइज कि क्या इंडिया के सारे ब्रोकर्स मेरी बात मानेंगे? नो। अगर आप ब्रोकर हो तो आप मेरी बात मानते? नो। अच्छा मेरे पास दूसरा तरीका क्या है कि मैं खुद अपने को बैंगलोर एक्सचेंज पर तो मैं लिस्टेड हूँ ही, मैं खुद अपने को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा दूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा दूँ। अगर मैंने यहाँ लिस्ट करा दिया बिकॉज इनका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पूरे इंडिया में सारे ब्रोकर्स के पास है, तो क्या मेरी सिक्योरिटी तो पूरे इंडिया में ट्रेड हो पाएगी?
तो विच इज द मोर प्रेफरेबल ऑप्शन एंड मोर फीजेबल ऑप्शन कि मैं बीएससी एनएससी पे लिस्ट हो जाऊं। इसका मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या कि जब भी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, सो वेन एवर वी से दैट स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, तो ये हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? सो आज की तारीख में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर बेसिकली द स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। क्लियर? आप देखो अब यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे what is being said now when company get its securities listed on stock exchange then such company need to make payment of following to such stock exchange. यहाँ पे तो अगर एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रहा है तो उस कंपनी को कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं एक्सचेंज को। क्या पेमेंट करना पड़ता है? सो दे हैव टू पे फॉलोइंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा क्या पेमेंट करना पड़ता है अगर हम लोग इसको देखें, तो दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग फीस। एंड लिस्टिंग फीस जो होता है ये बेसिकली दो होता है, देयर समथिंग कॉल्ड इनिशियल लिस्टिंग फीस एंड देयर समथिंग कॉल्ड एनुअल लिस्टिंग फीस। अच्छा जो इनिशियल लिस्टिंग फीस है ये कितनी बार पे करना पड़ेगा? वन टाइम। सो इनिशियल लिस्टिंग फीस सो नीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड अमाउंट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ इशू। एनुअल लिस्टिंग फीस जो है नाम से क्या लगता है, ये वन टाइम पे करना है या रेगुलरली पे करना है? तो यहाँ पे नीड टू पे एवरी ईयर एंड अमाउंट डिपेंड अपॉन, इस अमाउंट किस पे डिपेंडेंट है? अमाउंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर एज ऑन 31st March। क्लियर? नाउ दैट इज टू बी कॉल्ड एज लिस्टिंग फीस। तो डोंट यू थिंक ये जो लिस्टिंग फीस है, चाहे वो इनिशियल लिस्टिंग फीस हो या एनुअल लिस्टिंग फीस हो, ये कंपनी के लिए खर्चा है? अब देखो इनिशियल लिस्टिंग फीस तो आपने एक बार पे कर दिया, बट एनुअल लिस्टिंग फीस तो रेगुलर एक्सपेंस है। अब एनुअल लिस्टिंग फीस होती कितनी है? तो यहाँ पे अगर मैं सेबी रेगुलेशन के हिसाब से देखूँ, सो एनुअल लिस्टिंग फीस
हाँ एज पर सेबी ऑर्डर इज ₹5 पर शेयर होल्डर पर एनम। नाउ इट विल बी एज डिसाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब हर एक्सचेंज का एनुअल लिस्टिंग फीस अलग हो सकता है। सेबी ने सिर्फ मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई किया है कि मैक्सिमम लिमिट कितना है, ₹5 पर शेयर होल्डर। क्लियर? अब पहले इतने को कॉपी करिए। अब रीड दिस पार्ट ऑल्सो, कॉपी दिस पार्ट ऑल्सो। अच्छा अभी सो वी हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट दैट स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। आप देखो अब यहाँ पे ना, लेट्स टेक टू एग्जांपल, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पहले तो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, सो व्हेन वी सेड दैट स्टॉक ब्रोकर हु इज़ अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैव ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कैन ओनली परचेस और सेल सिक्योरिटीज लिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज। पहले इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कंपनी जो है, कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब कंपनी सो आर आई लिस्टेड ऑन सारे लिस्ट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब अगर हम लोग स्टॉक ब्रोकर को देखते हैं तो मान लेते हैं एंजल ब्रोकिंग, नाम सुना ही होगा एंजल ब्रोकिंग इधर स्टॉक ब्रोकर। तो यहाँ पे सो देयर फोर एंजल ब्रोकिंग एज स्टॉक ब्रोकर नाउ कैन परचेस और सेल शेयर्स ऑफ RIL। कभी परचेस सेल कर सकता है व्हेन व्हेन एंजल ब्रोकिंग इज मेंबर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एंजल ब्रोकिंग हैव ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। When Angel Broking have Bolt, what is Bolt? That is trading software of Bombay Stock Exchange. Done. Now, is this much part clear? अब यहाँ पे अनदर एग्जांपल लेते हैं। अच्छा मैं ले लेता हूँ कंपनी लाइक से ITC। ITC लिमिटेड ले लिया। अब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है कोलकाता में। अब कंपनी कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है? अच्छा मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर एज ऑन से 31 मार्च 2022। ना नंबर ऑफ शेयर होल्डर एज ऑन 31 मार्च 2022 मान लेते हैं 50 लाख, 50 लैक्स।
अब कंपनी नॉन लिस्टेड ऑन, सिर्फ एग्जांपल है फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो कंपनी लिस्टेड है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पे, और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज क्यों लिस्टेड है? क्योंकि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में। अच्छा, कंपनी अभी, लेकिन कंपनी को पूरे इंडिया में फैलना है, तो कंपनी ने अपने को लिस्ट करा दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा, कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स आते हैं दिल्ली से, तो उनको खुश करने के लिए कंपनी ने अपने को लिस्ट करा दिया दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में। कंपनी के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं बैंगलोर से, तो कंपनी ने उनको खुश करने के लिए बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया। मतलब कंपनी मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्टेड है, यस और नो? आप देखो, आपने मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्ट तो करा लिया, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या होगा ये समझो। अभी कंपनी का लिस्टिंग फीस कितना आएगा? सो देयरफॉर कंपनी का एनुअल लिस्टिंग फीस कितना हो जाएगा? ऑफ ईच स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर एज ऑन 31 मार्च इंटू ₹5, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं? 50 लैक्स इंटू 5, मतलब कंपनी का 2.5 करोड़ रुपए का तो एनुअल लिस्टिंग फीस है एक एक्सचेंज का। अच्छा, अभी कंपनी कितने एक्सचेंज पे लिस्टेड है? पांच एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो यहाँ पे कंपनी का देयरफॉर टोटल एनुअल लिस्टिंग फीस, तो टोटल एनुअल लिस्टिंग फीस पेबल टू स्टॉक एक्सचेंज क्या हो जाएगा? एनुअल लिस्टिंग फीस और पेबल टू ईच स्टॉक एक्सचेंज इनटू नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेयर कंपनी बीइंग लिस्टेड। सो नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वेयर कंपनी बीइंग लिस्टेड, तो कंपनी का एनुअल लिस्टिंग फीस कितना आ रहा है? 2.5 करोड़ इंटू 5, मतलब कंपनी का 12.5 करोड़ तो लिस्टिंग लिस्टिंग फीस में ही जा रहा है। नाउ डोंट यू थिंक ये बहुत बड़ा अमाउंट है? मतलब कंपनी साल का 12.5 करोड़ तो लिस्टिंग फीस पे कर रहा है। डोंट यू थिंक इसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा? आप देखो, अब कंपनी के प्रमोटर ने डिसाइड किया कि यार ये इतने एक्सचेंज पे लिस्ट होने का क्या फ़ायदा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से एग्ज़िट ले लें एंड बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज से एग्ज़िट ले लें। अब देखो, अगर वो दिल्ली एक्सचेंज से लिस्ट एग्ज़िट हो जाते हैं, बैंगलोर एक्सचेंज से एग्ज़िट हो जाते हैं, तो साल का 5 करोड़ रुपये बच जाएगा। लेकिन क्या इससे पब्लिक शेयर होल्डर को फ़र्क पड़ेगा? क्या पब्लिक की ट्रेडिंग में कोई भी तकलीफ आने वाली है? नो, क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि वो एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है, तो अगर वो एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है तो तकलीफ आने का सवाल ही नहीं होता। तो डोंट यू थिंक कि अगर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से और बैंगलोर से निकल जाए तो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है? तो क्या कंपनी सारे एक्सचेंज से निकल गया? नो, सो इट इज़ अ वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज वेयर द रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज इज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, करेक्ट? तो अगर रिमेनिंग एक्सचेंज इज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, तो ऐसे केस में क्या कंपनी को एग्जिट प्राइस पे करने की जरूरत है? नो, क्लियर? अब देखो, तो यहां पे
अगर कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से डिसाइड करते हैं, नो केस वन डीलिस्टेड फ्रॉम, तो अगर ये डिसीजन होता है दैट कंपनी डीलिस्टेड फ्रॉम केस वन में कंपनी डिसाइडेड गेट डीलिस्टेड फ्रॉम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज प्लस, देखो अगर कंपनी डिसाइड करता है, सो इफ द कंपनी डिसाइडेड टू गेट डिलिस्टेड फ्रॉम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज प्लस, कहाँ पे रिमेन टू बी लिस्टेड रहे? रिमेन्स टू बी लिस्टेड, रिमेन्स टू बी लिस्टेड ऑन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर कंपनी ये डिसीजन लेता है देन दिस इज़ अ केस ऑफ वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज वे आर रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे सो दिस इज द केस ऑफ वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज, सो दिस इज द केस ऑफ, एक मिनट, नाउ थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं। सो इसको थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं। सो कंपनी डिसाइडेड टू गेट डीलिस्टेड फ्रॉम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज प्लस कंटिन्यू टू बी लिस्टेड नाउ रिमेन्स टू बी लिस्टेड ऑन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? सो दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज वेयर रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज इज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। मतलब कंपनी कंपनी कंटिन्यू टू बी लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर ऐसा होता है तो क्या एग्जिट प्राइस पे करने की ज़रूरत है? नो। सो यहाँ पे नो एग्जिट प्राइस, सो नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी
नीड टू बी गिवेन need to be given to public shareholder. Done. This is case one. अच्छा अब एक चीज समझो, ये तो हुआ केस वन. अब अगर मान लो ITC डिसाइड करता है कि उसको पूरे इंडिया में नहीं फैलना, अच्छा इज इट नेसेसरी कि मैं, अगर मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ तो इज इट नेसेसरी कि मेरे को पूरे इंडिया में फैलना ही हो, जरूरी है क्या? सी ऐसा हो सकता है ना कि आप जहाँ पे हो आप वहाँ पे खुश हो, संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो सकता है. आज फॉर एग्जांपल आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जो आपको अपने होम टाउन से इतना प्यार है कि आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, हो सकता है. आज मान लो आप बॉम्बे में बॉर्न ब्रॉट अप हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप बॉम्बे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे? इवन इफ़ यू गेट अ गुड कंपनी आउटसाइड बॉम्बे, यू विल नॉट प्रेफर टू लीव बिकॉज यू हैव अटैचमेंट टूवर्ड्स द सिटी, टूवर्ड्स योर प्लेस, हो सकता है. अभी ये तो आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस हैं कि आपको बाहर निकलना है, नहीं निकलना है. अब मान लो मैं कंपनी हूँ, मैं अपने एरिया में एक अच्छी, अच्छा ग्रोथ करने वाली कंपनी हूँ, मेरे को पूरे इंडिया में नहीं फैलना है, चलेगा? ये तो प्रमोटर का डिसीजन है ना कि मेरे को पूरे इंडिया में फैलना है कि नहीं फैलना है, बराबर. आज अगर मैं टाटास की बात करूँ, कॉर्पोरेट हाउसेस में कई ऐसे कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं जिनको पब्लिक लिस्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टूवर्ड्स पब्लिक फंड. मतलब टाटा, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन लोगों को पब्लिक लिस्टिंग कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आज भी टाटा सन्स अनलिस्टेड कंपनी है. ऐसा कहते हैं, एस्टिमेट ये बोलता है कि अगर टाटा सन्स, जो कि पेरेंट कंपनी ऑफ टाटा है, अगर वो आज लिस्ट हो जाए, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, तो टाटा सन्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो एशिया की जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड कर दो, ठीक है? उन सबको ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनेगा उससे ज़्यादा टाटा सन्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा. मतलब कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है, बट रतन टाटा को कंपनी लिस्ट नहीं कराना. क्यों? क्योंकि कंपनी के पास इतना फंड है, दे डोंट वॉन्ट पब्लिक फंड. सो दे डोंट वॉन्ट पब्लिक फंड एंड देयरफॉर दे डोंट वॉन्ट टू गेट लिस्टेड. ये तो प्रमोटर का डिसीजन है ना. तो अगर प्रमोटर ये डिसीजन लेता है कि कंजर्वेटिव ग्रुप है, प्रमोटर ये डिसीजन लेता है कि हमको लिस्टिंग नहीं कराना, तो ये प्रमोटर का कॉल है. अब अगर मान लो टाटास ने ITC का टेक ओवर कर लिया, एग्जांपल, ठीक है? अभी टाटास इज अ कंजर्वेटिव ग्रुप, उनको नहीं चाहिए कि ITC लिस्टेड रहे. प्रमोटर चेंज हो गए, कंट्रोल चेंज हो गया, सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि प्रमोटर टेक अ डिसीजन, इवन इफ द कंपनी वॉज अर्लियर लिस्टेड ऑन मल्टीपल एक्सचेंज, बट प्रमोटर टेक अ डिसीजन कि अपने को लिस्टिंग नहीं चाहिए. ये तो आपका कॉल है एज ए प्रमोटर. तब अगर मान लो प्रमोटर डिसीजन लेते हैं कि अपने को कंपनी को BSE NSE पे भी लिस्टेड नहीं रखना है, अब इसी समझो, अपने को सिर्फ कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट रखना है एंड अपने को बाकी जगह लिस्ट नहीं रखना है. हम लोग कैलकाटा में हम लोग खुश हैं, अपना जितना फंड चाहिए, जितनी इनकम चाहिए उतना हम कमा रहे हैं, हमें और जगह पे लिस्ट नहीं कराना है. अगर ये कॉल लिया तो ऐसे केस में क्या कंपनी हर एक्सचेंज से लिस्ट हो गया, डीलिस्ट हो गया? अगर मैं NSE BSE से निकल जाता हूँ तो क्या मैं हर एक्सचेंज से निकल गया? नहीं, अभी मैं कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पे हूँ ना. सो इट इज़ अ वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंज वेयर द रिमेनिंग स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. अब बिकॉज नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है तो क्या कुछ शेयर होल्डर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है? तो वहाँ पे क्या एग्जिट प्राइस पे करना पड़ेगा? आंसर इज येस. तो यहाँ पे केस टू क्या बना? केस टू बना दैट कंपनी डिसाइडेड टू गेट delisted from
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बट रिमेन्स टू बी लिस्टेड ऑन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। अगर कंपनी ऐसा डिसीजन लेता है तो इसको क्या माना जाएगा? सो दिस इज अ केस ऑफ वॉलेंट्री delisting from few stock exchange, so voluntary delisting from few stock exchange where remaining stock exchange is not having nationwide trading terminal. Nationwide trading terminal मतलब इसका क्या मतलब हुआ? दैट कंपनी नॉट कंटिन्यू टू बी लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर ऐसा होता है तो क्या एग्जिट प्राइस पे करना पड़ेगा? यस, यहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी नीड टू बी गिवन टू पब्लिक शेयरहोल्डर। डन, दिस इज केस टू। आप देखो, अब ये चीज समझो, मैं एक कंपनी हूँ, मैं कैकेटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे को लिस्टिंग चाहिए ही नहीं, मेरे पास इतना पैसा है ना कि मेरे को पब्लिक का फंड चाहिए ही नहीं, तो क्या मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे को कहीं भी लिस्टेड नहीं रहना? एंड इफ आई टेक अ डिसीजन टू गेट डीलिस्टेड फ्रॉम कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो, तो अब कंपनी कहीं पे भी लिस्टेड है? नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे कंपनी इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या यहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है जिन्होंने आपके शेयर्स परचेज करके रखे हैं? तो क्या एग्जिट प्राइस पे करना पड़ेगा? आप देखो, तो यहाँ पे सो दिस इज केस थ्री। तो यहाँ पे इफ कंपनी डिसाइड टू गेट डीलिस्टेड फ्रॉम कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, देन दिस इज अ केस ऑफ वॉलेंट्री डीलिस्टिंग वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज। एंड ऐसे केस में एग्जिट प्राइस और एग्जिट अपॉर्चुनिटी need to be given so yahan pe exit opportunity need to be given to public shareholder। clear? ab ye cheez samjho,
नाउ सेबी ने टू प्रमोट कॉर्पोरेट्स टू गेट लिस्टेड, सेबी ने जो पहले ये रिक्वायरमेंट था ना कि कंपनी को मैंडेटरली उस एक्सचेंज पे लिस्ट होना जरूरी है जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, ये क्लॉज ही हटा दिया। अच्छा, जैसे ये क्लॉज हटाया, सोचो अगर आप कंपनी हो तो आप अपने को मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहोगे या सिर्फ BSE NSE पे? सिर्फ BSE NSE पे। मतलब अगर मान लो मैं दिल्ली कंपनी हूँ, मैं NDTV हूँ, तो मैं अपने को दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं कराऊंगा, मैं सीधे अपने को BSE NSE पे लिस्ट करा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे BSE NSE पे मैं लिस्ट होऊंगा मैं पूरे इंडिया में फैल जाऊंगा। करेक्ट? तो डोंट यू थिंक कि इस वजह से, इस एक अमेंडमेंट की वजह से बाकी सब एक्सचेंज का दुकान बंद हो जाएगी? और यही हुआ इंडिया में। जैसे ये क्लॉज हटाया गया ना, कंपनीज ने रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना ही हट छोड़ दिया। कंपनी प्रेफर टू गेट लिस्टेड ओनली ऑन NSE एंड BSE। इसलिए इंडिया में नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैव रिड्यूस लाइक ड्रास्टिकली। नाउ आई शो यू द एग्जैक्ट नंबर। नाउ दीज आर द डिटेल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। नाउ ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस का डिटेल है, कितने स्टॉक एक्सचेंज, और ये सेबी के वेबसाइट से हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है? सो हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस वी हैव इन इंडिया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज, देन इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, देन तो देर इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। बस यही 7 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बचे हैं। अच्छा, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो वैलिडिटी है वो परमानेंट है, ठीक है? एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी डेरिवेटिव कर सकते हो, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, मतलब ऑलमोस्ट सारी वैरायटी है। कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द वेरी ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है, बट उसका सेगमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है। अब इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड जो है वो सिर्फ कमोडिटी डेरिवेटिव है, वहाँ पे आप इक्विटी नहीं कर सकते, वहाँ पे आप करेंसी डेरिवेटिव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये स्पॉट मार्केट नहीं है, ये सिर्फ कमोडिटी डेरिवेटिव है। इसके अलावा देन मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे आप कमोडिटी डेरिवेटिव नहीं कर सकते, यहाँ पे आप करेंसी डेरिवेटिव, इक्विटी डेट एंड इक्विटी डेरिवेटिव कर सकते हो। इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, यहाँ पे भी आप सिर्फ कमोडिटी डेरिवेटिव कर सकते हैं। मतलब ये भी एक आम इन्वेस्टर के लिए जो इक्विटी परचेज करना चाहता है उसके लिए कोई काम का नहीं है। उसके बाद देर इज समथिंग कॉल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे जो आप BSE में कर सकते हो वही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मतलब अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो इंडिया में आज की तारीख में सिर्फ 3 ही एक्सचेंज बचे हैं, एक BSE, एक NSE, एक कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज। आप देखो, अगर आप नीचे नोट देखोगे ना, तो वहाँ पे क्या लिखा है दैट हैदराबाद सिक्योरिटीज एंड एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसको पहले हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज बोलते थे, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, इंटर कनेक्टेड कोचिन स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, सब स्टॉक एक्सचेंज थे पहले, ठीक है? गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, ग्वालियर स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, वडोदरा, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एंड अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये सब के सब एग्जिट ले चुके हैं, सब बंद हो गए हैं। क्लियर? मतलब व्हाट इज बीइंग सेड दैट दीज वर द स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे, बट जैसे ये रूल चेंज हुआ कि कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है उस एक्सचेंज पर लिस्ट करना जहाँ पे उसका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, तो ये सारे एक्सचेंज निकल गए। बचा कौन है? मेजर स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटिंग इन इंडिया इज BSE एंड NSE। क्लियर? आप देखो, इसमें भी जो 7 एक्सचेंज बचे हैं उसमें से 6 का रिकॉग्निशन परमानेंट है, एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका रिकॉग्निशन सितंबर 15, 2022 को ख़त्म होगा। उस समय सेबी डिसाइड करेगा कि इसको रखना है, परमानेंट स्टेटस बनाना है, टाइम बाउंड स्टेटस बनाना है या हटा देना है। क्लियर? सो दीज आर द ओनली स्टॉक एक्सचेंजेस लेफ्ट इन द कंट्री। क्लियर?
सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीलिस्टिंग रिवॉल्व्स अराउंड. क्लियर? तो अब यहाँ पे इस पूरे एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए. सो आई बिलीव ये कॉपी हो गया है. नाउ कॉपी दिस पार्ट ऑल्सो. सो आई बिलीव दिस मच पार्ट बीन डन. नाउ कॉपी दिस पार्ट ऑल्सो. डन. यहाँ तक हो गया. नाउ कॉपी दिस पार्ट ऑल्सो. सो दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द डीलिस्टिंग. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंपल्सरी डीलिस्टिंग. अब देखो, अब कंपल्सरी डीलिस्टिंग नाम से क्या लगता है कि यहाँ पे एक्सचेंज ने आपको क्यों निकाला होगा? वाई एक्सचेंज हैज रिमूव्ड यू? बिकॉज आपने कुछ नॉन कंप्लायंस किया है. क्लियर? अब देखो, तो यहाँ पे कंपल्सरी डीलिस्टिंग के क्या बोला है. सो कंपल्सरी डीलिस्टिंग मीन्स परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज एज द प्यूनिटिव मेजर्स. मतलब प्यूनिटिव नॉर्म्स मतलब पेनल्टी है. तो ये सब प्यूनिटिव मेजर्स टेकन बाय द स्टॉक एक्सचेंज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉ एंड रिक्वायर्ड सेबी एलओडीआर रेगुलेशन और लिस्टिंग एग्रीमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड. तो यहाँ पे सो कंपल्सरी लिस्टिंग मीन्स परमानेंट रिमूवल सिक्योरिटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एज अ प्यूनिटिव नॉर्म्स टेकन बाय द स्टॉक एक्सचेंज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एलओडीआर विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब. अब देखो, अब यहाँ पे कम रीजंस क्यों कंपल्सरी डीलिस्टिंग की जाती है. अब देखो, तो यहाँ पे सो दे आर सर्टेन ग्राउंड्स, दे आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से कंपल्सरी डीलिस्टिंग होती है. तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट नाउ यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट सेक्शन 21A ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट रेड विद रूल 21 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स डीलिंग विद डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. नाउ क्या बोला है यहाँ पे. अब यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट सो सेक्शन 21A ऑफ SCRA रेड विद रूल 21 ऑफ SCRR डील्स विद डीलिंग डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. अब यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी की सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कब कर सकता है. सो इट प्रोवाइड्स दैट अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मे बाय ऑर्डर डीलिस्ट एनी सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन सच स्टॉक एक्सचेंज ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स. अच्छा, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्ट करेगा ये जरूरी है क्या? नॉट नेसेसरी. लेकिन ये ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डीलिस्टिंग किया जा सकता है. नाउ डील्स विद डीलिस्टिंग सिक्योरिटीज. अब क्या क्या रीज़न है. पहला रीज़न है कि अगर कंपनी कंटिन्यूस लॉसेस है लास्ट 3 साल से एंड हैव नेगेटिव नेटवर्थ. तो यहाँ पे क्या लिखा है. सो इफ द कंपनी हैज़ इनकर्ड लॉसेज ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर एंड हैव नेगेटिव नेटवर्थ. अच्छा, एक चीज़ समझो, अगर एक कंपनी कंटिन्यूस लॉसेज में, तो क्या इसका मतलब है कि वो कंपनी रिवाइव हो ही नहीं सकता? हो सकता है ना. आज पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनी लॉसेस में गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कंपनी बंद कर देने का या स्टॉक एक्सचेंज से निकाल देने का या एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनी है वो सब कंपनी क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है? नहीं. लेकिन अगर एक कंपनी कांस्टेंट लॉसेस में है और एक्सचेंज को लगता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइवल है ही नहीं, तो वहाँ पे एक्सचेंज ये डिसीजन ले सकता है कि यार इस कंपनी को निकाल दिया जाए. क्लियर? ये डिसीजन कि डिलीस्ट करना है या नहीं करना है ये एक्सचेंज लेता है. तो क्या लिखा है, वन ऑफ द व्हाट आर द ग्राउंड्स. तो इसमें क्या लिखा है. सो इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेज ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर एंड हैव नेगेटिव नेटवर्थ. इसके अलावा इफ़ द ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी कंपनी हैज़ रिमेन सस्पेंडेड
फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। अगर कंपनी की सिक्योरिटीज 6 महीने से ऊपर सस्पेंडेड है, ट्रेडिंग 6 मंथ से ऊपर सस्पेंडेड है, अब ये चीज़ समझो, अगर ट्रेडिंग 6 मंथ से ऊपर सस्पेंडेड है तो क्यों सस्पेंडेड है? कंपनी ने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा ना, तो अगर कंपनी ने कुछ किया है और 6 मंथ से ऊपर सस्पेंड है ट्रेडिंग, तो फिर वो कंपनी डीलिस्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फर्दर क्या लिखा है, इफ़ द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी हैव रिमेन टू बी इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। अब ये चीज़ समझो, अगर एक कंपनी की सिक्योरिटीज इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, व्हेन यू टॉक अबाउट इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, इसका मतलब उस कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग हो ही नहीं रहा है। अगर ट्रेडिंग हो ही नहीं रहा है तो वहाँ पे, और देखो आज जब कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हैं, डिमांड ऊपर होती है तो ऐसे कर्व ऊपर जाता है, आपने सेल किया डिमांड नीचे आती है तो प्राइस नीचे जाता है, ऐसे कर्व नीचे गया। अगर ये ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है मतलब ट्रेडिंग हो रही है, बट अगर ये ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रहा है, कंपनी जिंदा लाश की तरह चल रही है ऐसे, तो 3 साल तक अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या पब्लिक को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है? नहीं है। और अगर नहीं है तो ऐसे केस में व्हाट इज बीइंग सेड, ऐसे केस में स्टॉक एक्सचेंज ये डिसीजन ले सकता है कि इस कंपनी को डिलिस्ट कर दिया जाए। नाउ क्या लिखा है, इफ़ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर हैव बीन कन्विक्टेड फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ SCRA, SEBI Act, डिपॉजिटरी एक्ट, रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर। मतलब अगर कंपनी नॉन कंप्लायंस किया है डिपॉजिटरी एक्ट में, SEBI एक्ट में, SCRA में, एंड यहाँ पे व्हाट इज़ बीइंग सेड, एंड यहाँ पे पेनल्टी कितनी लगी है, सो पेनल्टी एंड हैज अवॉर्डेड अ पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स और फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर। मतलब यहाँ पे अगर इम्प्रिजनमेंट, नाउ व्हाट इज़ बीइंग सेड दैट अगर इम्प्रिजनमेंट 3 साल से, नाउ 3 साल से मिनिमम 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है या तो फाइन मिनिमम 1 करोड़ का है, तो वहाँ पे कंपनी कंपल्सरली डिलेस्ट हो सकता है। इसके बाद क्या लिखा है, इफ़ द एड्रेस ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर आर नॉट नोन और रॉन्ग एड्रेस हैज बीन प्रोवाइडेड और द कंपनी हैज चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस इन कॉन्ट्रावर्शियल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये चीज़ समझो, अगर कंपनी या उसके प्रमोटर ने रॉन्ग एड्रेस प्रोवाइड किया है, या कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस पता ही नहीं है, या कंपनी ने इन नॉन कंप्लायंस करके रजिस्टर ऑफिस चेंज किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का इंटेंशन क्या है? अगर कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर्स ने अपना रजिस्टर ऑफिस अपना एड्रेस बताया ही नहीं है या रॉन्ग एड्रेस दिया है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि कंपनी फ्रॉड कर रहा है या तो करने का चाहता है, तो वहाँ पे कंपनी को कंपल्सरी एक्सचेंज डिलीज कर सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ इफ द कंपनी हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। मतलब अगर कंपनी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहा है एंड फेल टू इंक्रीज इट्स पब्लिक शेयर होल्डिंग अप टू द मिनिमम लेवल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इट मीन्स दैट अगर कंपनी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया नाउ, एंड अगर वो पब्लिक शेयर होल्डिंग को इंक्रीज नहीं कर पाता है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। अच्छा, क्या टाइम स्पेसिफाइड है? अब अगर आपको SCRA चैप्टर याद होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने टाइम में कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज़ को, अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लाई नहीं हो रहा है, 25% पब्लिक होल्डिंग होना चाहिए, बट वो नहीं हुआ है, तो उनको 1 साल के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर कंपनी इंक्रीज नहीं कर पाता है तो फिर कंपनी कंपल्सरली डेलिस्ट हो सकता है। अब ये चीज़ रखना, नॉट द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इशूइंग ऑर्डर फॉर डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम सच स्टॉक एक्सचेंज शैल प्रोवाइड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बींग हर्ड टू सच कंपनी। मतलब वट इज बींग सेड दैट डिलिस्टिंग ऑर्डर इशू करने से पहले वट स्टॉक एक्सचेंज हैव टू डू, उनको कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लो कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है तो कंपनी उसको कंप्लाई कर सके, ये एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज कंपल्सरी डिलिस्टिंग का ऑर्डर इशू करेगा।
क्लियर। अब एक चीज़ समझो नाउ, बट बिफोर आई गो टू द शेवर्डिंग पैटर्न, रीड द मीनिंग एंड द रीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट, रीड फास्ट। अब यहाँ पे नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न लिस्टेड कंपनी, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न इन लिस्टेड कंपनी, देखो लिस्टेड कंपनी में दो तरीके के शेयर होल्डर होते हैं, ये उन्होंने पहले भी किया हुआ है, वापस बता रहा हूँ, प्रमोटर एंड पब्लिक। अच्छा, प्रमोटर को ही नॉन पब्लिक बोलते हैं एंड पब्लिक को ही नॉन प्रमोटर। अब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, अब मिनिमम पब्लिक होल्डिंग कितना होता है ना, 20%, तो मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पब्लिक होल्डिंग कितना हो जाएगा, 80%। अभी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होता है, 25% या 10%, तो मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग कितना हो जाएगा, 75% एंड 90%। नाउ एंड ये 90% 10% किस में है, नाउ दिस इज इन केस ऑफ लिस्टेड पीएसयू, क्लियर। इसका मतलब सो देयरफॉर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग इज 25% और 10%, एंड 10% किस पे एप्लीकेबल है, इनलिस्टेड पीएसयू। डन। अब देखो, अब एक्सचेंज को अगर कंपलसरी डिलिस्टिंग करना है, अगर एक्सचेंज को कंपलसरी डिलिस्टिंग करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कंपलसरी डिलिस्टिंग का डिसीजन लेने के लिए एक पैनल क्रिएट करता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन ऑफ कंपलसरी डिलिस्टिंग शैल कॉन्स्टिट्यूट अ पैनल। अच्छा, इस पैनल में कौन कौन होगा, सो इस पैनल में तो सच पैनल शैल बी कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो इस पैनल में कौन कौन होगा, पहला टू डायरेक्टर्स ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वन ऑफ होम शैल बी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, देन एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इन्वेस्टर एसोसिएशन का, जिसको सेबी ने रिकॉग्नाइज किया है, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या ROC का, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड एक होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या तो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। नाउ अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट बिफोर पासिंग, देखो यहाँ पे जब एक्सचेंज डीलिस्टिंग ऑर्डर पास करेगा, कंपल्सरी लिस्टिंग ऑर्डर पास करेगा, तो ये ऑर्डर पास करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा, ये बताएगा कि वो कौन सी कंपनी को कंपल्सरी डिलीस्ट करने का सोच रहा है और क्यों डिलीस्ट करने का सोच रहा है। और ऐसे केस में अगर कोई पर्सन है जो स्टॉक एक्सचेंज के इस डिसीजन से खुश नहीं है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकता है, कितने दिन के अंदर, विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। क्या लिखा है, नाउ बिफोर पासिंग एन ऑर्डर फॉर कंपल्सरी डिलिस्टिंग द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल गिव अ नोटिस इन एटलीस्ट वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन हिंदी न्यूज़पेपर एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वेयर द रेलेवेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड
प्रोवाइडिंग द डिटेल्स प्रपोज डी लिस्टिंग एंड ऑल्सो डिस्प्ले सच नोटिस ऑन इट ट्रेडिंग सिस्टम एंड वेबसाइट। मतलब अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में प्रेस करेगा, न्यूज़पेपर प्रोवाइडिंग द डिटेल द प्रपोज लिस्टिंग एंड इसको वेबसाइट पे प्लेस किया जाएगा प्लस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में भी प्लेस किया जाएगा। अब फर्दर क्या लिखा है, नो एनी पर्सन अग्री बाय द प्रपोज लिस्टिंग मे मेक रिप्रेजेंटेशन टू द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन प्रपोज लिस्टिंग से खुश नहीं है तो वो एक्सचेंज को अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकता है। विच हैज इशूड द नोटिस ऑफ प्रपोज लिस्टिंग एंड सच रिप्रेजेंटेशन नीड टू बी मेड विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिलिस्टिंग। अब यहाँ पे वॉट इज बींग सेड दैट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वट दे विल डू नाउ नाउ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वट दे विल डू नाउ यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर पास करने से पहले कंपल्सरी लिस्टिंग ऑर्डर पास करने से पहले नाउ दे विल सी द रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द अग्रीव्ड इन्वेस्टर। यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ सो द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शेल वाइल पासिंग एनी ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी लिस्टिंग कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय द कंपनी and also any representation received in response to the notice and shall comply with the guidelines provided in this regulation। अब देखो अब वहाँ पे representation consider कर लिया company का agreed investor का, फिर recognized stock exchange क्या करेगा, recognized stock exchange delisting order issue करेगा। अच्छा delisting order issue करके वो क्या करेगा, एक तो डीलिस्टिंग ऑर्डर को न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा, दूसरा डीलिस्टिंग ऑर्डर बाकी हर एक्सचेंज को देगा जहाँ पे कंपनी लिस्टेड है। याद रखना अगर एक एक्सचेंज ने आपको कंपलसरी डिलिस्ट कर दिया और वो जैसे ही ये ऑर्डर दूसरे एक्सचेंज को भेजेगा दूसरा एक्सचेंज भी आपको डिलिस्ट कर देगा, मतलब कंपनी हर एक्सचेंज से निकल जाएगी प्लस उसको अपने वेबसाइट पे प्लेस करेगा। यहाँ पे क्या दिया है, नॉट सेज एंड Now where the recognized stock exchange passes a delisting order, now it shall forthwith publish a notice in one English newspaper, one Hindi newspaper and one vernacular newspaper of the region where the relevant recognized stock exchange is located. Second, inform all other stock exchange where the equity share company are listed about such delisting and upload the copy of such order on its website. Now, अब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या इन्फॉर्मेशन देगा, क्या डिस्क्लोजर देगा, तो स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर देगा कि डीलिस्टिंग किस एक्सचेंज से किया गया है, क्यों डीलिस्टिंग किया गया है। अच्छा जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका फेयर वैल्यू क्या है, और प्रमोटर का डिटेल देगा जो एग्जिट प्राइस का पेमेंट करेंगे पब्लिक शेयर होल्डर को। आप देखो इसमें क्या लिखा है, Now the following disclosure are to be made in the notice: the fact of such delisting, name and address of the company, fair value of delisted equity shares, and name and address of the promoter of the company who would liable to make payment of exit price to the public shareholder. तो यहाँ पे आपको promoter का डिटेल देना पड़ेगा जो exit price pay करेंगे public shareholder को। अच्छा उन शेयर्स का फेयर वैल्यू कितना है, क्या पेमेंट किया जाएगा। अब व्हाट इज बीइंग सेड दैट यहाँ पे फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करेगा और वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर डीलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे जो अमाउंट प्रमोटर पे करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर द इक्विटी शेयर कंपनी आर कंपल्सरी डीलिस्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल कंपल्सरली अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हु शैल डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ डीलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। नाउ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल फॉर्म अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट वैल्यूअर एंड फ्रॉम दैट पैनल द वैल्यूअर शैल बी अपॉइंटेड। तो यहाँ पे वॉट इज बींग सेड कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एक पैनल बनाएगा
एक्सपर्ट वैल्यूअर का, और उस पैनल में से इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट किए जाएंगे। और ये जो जो पर्सन अपॉइंट किया है, नाउ दिस पर्सन डीलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ डीलिस्टेड इक्विटी शेयर शैल बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यूअर। अब जो कंपनी का प्रमोटर है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स को ये प्राइस पे करेगा और उनके शेयर्स को एक्वायर कर लेगा। कितने दिन के अंदर, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग ऑर्डर इशूड बाय स्टॉक एक्सचेंज। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर के पास चॉइस है कि अगर वो शेयर टेंडर नहीं करना चाहता तो वो उसका डिसीजन है, लेकिन प्रमोटर रेडी है परचेज करने के लिए। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि यार पब्लिक शेयर होल्डर क्यों अपने शेयर टेंडर नहीं करेगा। एग्री, 99% टेंडर कर देंगे, बट अगर एक पब्लिक शेयर होल्डर ने शेयर टेंडर नहीं किया, क्योंकि कंपनी तो अभी भी है ना, और अगर आज कंपनी कंपल्सरी डिलिस्ट हो गया तो वाइंडिंग अप नहीं हो रहा है, सिर्फ कंपल्सरी डिलिस्ट हो रहा है। और देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी कंपल्सरी डिलिस्टिंग के बाद वापस रिलिस्ट हो सकता है 10 साल के बाद। तो अगर 10 साल के बाद वो रिलिस्ट होता है और आप वेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रमोटर ऑफ द कंपनी शैल एक्वायर द डिलिस्टेड इक्विटी शेयर फ्रॉम द पब्लिक शेयर होल्डर बाय पेइंग देम द वैल्यू डिटरमाइंड बाय वैल्यूअर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलिस्टिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, सब्जेक्ट टू द ऑप्शन ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर टू रिटेन देयर शेयर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट टू द ऑप्शन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर टू रिटेन देयर शेयर। मतलब यहाँ पे अगर पब्लिक शेयर होल्डर अपने शेयर रिटेन करना चाहता है, वो टेंडर नहीं करना चाहता तो चलेगा। ये तो पब्लिक शेयर होल्डर का चॉइस है ना, उसको शेयर टेंडर करना है या नहीं। अब एक चीज़ देखना, अगर प्रमोटर ने, व्हाट इज बीइंग सेड, अगर प्रमोटर ने 3 महीने के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया तो प्रमोटर को पेनल्टी डीले इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, कितना, 10%। यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रमोटर शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टू ऑल द पब्लिक शेयर होल्डर हु ऑफर देयर शेयर्स अंडर द कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफर इफ द प्राइस पेबल इज नॉट पेड टू ऑल द शेयर होल्डर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। लेकिन अगर डीले जो है वो प्रमोटर के कंट्रोल के बियॉन्ड है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीज़न है जो प्रमोटर जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो सेबी डिले इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकता है या रिड्यूस भी कर सकता है। सो हाउएवर इन केस द डिले वॉज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी एक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ द एक्वायरर और वॉज कॉज ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्वायरर, द सेबी मे ग्रांट वेवर फॉर द पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट। क्लियर? सो दीज आर द प्रोसीजर ऑफ कंपल्सरी डिलिस्टिंग। आप देखो, अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी कंपल्सरी डिलिस्ट हो रहा है, तो अगर कंपनी कंपल्सरी डिलिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो कंपनी है उसके प्रमोटर, होल टाइम डायरेक्टर, पर्सन इन कंट्रोल अगले 10 साल तक मार्केट एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मैं एक ऐसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, एक ऐसी कंपनी का प्रमोटर हूँ जो कंपनी कंपल्सरी डिलिस्ट हुआ है, तो मैं बाकी जिस भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या प्रमोटर होगा उन कंपनीज में से मेरा क्या स्टेटस होगा, मेरे को रखा जाएगा, निकाल दिया जाएगा? निकाल देंगे, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि मैं मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। क्या लिखा है, सो वेयर द कंपनी हैज़ बिन कंपल्सरी डिलिस्टेड द कंपनी इट्स होल टाइम डायरेक्टर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सिक्योरिटीज लॉ इट्स प्रमोटर द कंपनीज इन विच द कंपनीज विच आर प्रमोटेड बाय एनी ऑफ देम शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस द सिक्योरिटीज मार्केट और सीक लिस्टिंग ऑफ एनी इक्विटी शेयर और एक्ट द इंटरमीडिएट सिक्योरिटीज मार्केट फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डीलिस्टिंग। मतलब आपको मार्केट से कितने साल के लिए निकाल बाहर किया जा रहा है, 10 साल के लिए। तो कंपनी होल टाइम डायरेक्टर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉ प्रमोटर कंपनीज विच आर प्रमोटेड बाय एनी ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट एक्सेस खत्म हो जाएगा कितने साल के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच डीलिस्टिंग। क्लियर?
अब देखो, नाउ बिफोर वी गो फॉर द गाइडलाइंस ऑफ डिलिस्टिंग, फर्स्ट रीड द प्रोसीजर. सो प्रोसीजर फॉर डिलिस्टिंग फर्स्ट रीड करिए, पर्टिकुलरली द हाइलाइटेड पार्ट. नाउ रीड फर्स्ट. अब देखिए, अब यहाँ पे नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर कंपल्सरी लिस्टिंग. तो इसमें क्या लिखा है, द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल टेक इनटू अकाउंट द ग्राउंड प्रिस्क्राइब इन द रूल्स मेड अंडर SCRA व्हाइल कंप्लाइंग व्हाइल कंपल्सरी डिलिस्टिंग द इक्विटी शेयर कंपनी. नाउ ग्राउंड स्पेसिफाइड जो रीजंस दिए हैं. नाउ नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, नाउ जो ग्राउंड्स दिए हैं कि किस रीज़न के वजह से कंपनी कंपल्सरी डिलीस हो सकता है, वो रीजंस को कंसिडर किया जाएगा. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, नाउ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल टेक इन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू ट्रेस द प्रमोटर द कंपनी हुज इक्विटी शेयर प्रपोज टू बी डिलिस्टेड. अब देखो, अल्टीमेटली एग्जिट प्राइस किसको पे करना है, नाउ प्रमोटर को. तो प्रमोटर आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है, क्लियर, टू ट्रेस द प्रमोटर. फर्दर क्या लिखा है, द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल कंसिडर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एलिगेज नॉन कंप्लायंस फॉर द कंपनी एंड द नंबर एंड पर्सन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर हु मे बी अफेक्टेड बाय सच नॉन कंप्लायंस. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इस चीज़ को इवेल्युएट करेगा दैट नॉन कंप्लायंस कंपनी ने क्या किया है और उस नॉन कंप्लायंस की वजह से पब्लिक शेयर होल्डर पे क्या इफेक्ट आएगा. नाउ दैट इज समथिंग दे हैव टू इवेल्युएट. नाउ व्हाट इज स्पेसिफाइड, नाउ नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल टेक रीजनेबल एफर्ट टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोविजनल कंपनीज एंड एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर बाय द कंपनी विद द ऑफिस ऑफिस ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज. नाउ यहाँ पे कंपनी नाउ यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ इसको चेक करेगा कि क्या कंपनी का स्टेटस ऑफ कंप्लायंस क्या है, अर्थात आर दे कंप्लाइंट कंपनी या उन्होंने और भी नॉन कंप्लायंस किए हैं. नाउ व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड, नाउ द नेम ऑफ द कंपनी हुज इक्विटी शेयर प्रपोज टू बी डिलिस्टेड एंड द प्रमोटर shall be displayed in a separate section on the website of recognized stock exchange. If delisted, the name shall be shifted to another separate section on the website. मतलब यहाँ पे क्या दिया है, now what is being said कि जब कंपनी कोई कंपनी कंपल्सरी डिलिस्ट हो रहा है तो उसका जो नाम है, now उसका जो नाम है वो एक्सचेंज में एक सेपरेट सेक्शन में डाल दिया जाता है कि ये कंपनी डिलिस्ट हो रहा है. एंड उसके बाद जब डिलिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसको उन कंपनीज की कैटेगरी में डाल देंगे जिन जहाँ पे कंपनी कंपल्सरी डिलिस्ट हो चुका है, उन कंपनीज के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड, नाउ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल इन अप्रोप्रिएट केसेस फाइल प्रोसिक्यूशन अंडर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ SCRA एंड अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अगेंस्ट आइडेंटिफाइबल प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स फॉर द एलिजिस नॉन कंप्लायंस. मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो है, नाउ जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर सकता है कंपनी के एंड प्रमोटर्स के अगेंस्ट में. नाउ व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट यहाँ पे अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि ये कंपनी में रिवाइवल की पॉसिबिलिटी नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज वाइंडिंग अप
के पेटिशन भी फाइल कर सकता है या स्ट्राइक ऑफ का पेटिशन भी आरओसी में फाइल कर सकता है। क्या लिखा है? द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल इन अप्रोप्रिएट केसेस अंडर द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फाइल अ पेटिशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी और मेक अ रिक्वेस्ट टू रजिस्टर ऑफ कंपनीज टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। शैल फाइल पेटिशन, तो स्ट्राइक ऑफ के लिए या स्टेटस ऑफ कंप्लायंस बाय द कंपनी विद द ऑफिस ऑफ आरओसी। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर कंपल्सरी डेलिस्टिंग। डन, रीड दिस गाइडलाइंस प्लीज। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द प्रोसीजर फॉर कंपल्सरी डेलिस्टिंग। अब ये जो है ना, नाउ दिस इज समथिंग हैव टू बी स्टडीड एंड कॉपीड फ्रॉम द मॉड्यूल। तब ये पूरा प्रोसीजर जो ये आपको मॉड्यूल से पढ़ना है और इसको कॉपी भी करना है। अब देखो फर्स्ट क्या लिखा है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, पैनल कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो पैनल डिसीजन लेगा रिगार्डिंग कंपल्सरी डिलिस्टिंग। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट हैव टू बी मैंशन देयर, क्लियर। देन अब ये पब्लिक नोटिस कहाँ पे दिया जाएगा, सो इसको एक इंग्लिश पेपर में देंगे, एक हिंदी में देंगे, एक वर्नाकुलर में देंगे। नाउ नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, नाउ एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में दिया जाएगा जहाँ पे कंपनी का रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। आप देखो अब यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज आपको एक नोटिस इशू करने से पहले आपने पब्लिक नोटिस दे दिया। अब यहाँ पे अगर कोई भी अग्रीव पर्सन है तो अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकता है कितने दिन के अंदर, एक्सचेंज के पास विद इन 15 वर्किंग डेज, क्लियर। नाउ सो दिस नीड टू बी मेंशन हियर। अब इसके बाद एक्सचेंज इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करेगा एंड अपना डीलिस्टिंग ऑर्डर इशू करेगा। नाउ दिस नीड टू मेंशन हियर, फोर्थ पॉइंट। अब नाउ वंस द डीलिस्टिंग ऑर्डर बीइंग इशूड, अब एक्सचेंज क्या करेगा, पब्लिक नोटिस देगा वापस, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में, एक वर्नाकुलर में, प्लस बाकी एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करेगा, अपने वेबसाइट पर प्लेस करेगा, ट्रेडिंग सिस्टम प्लेस करेगा। सो दिस आर टू बी डन, सो दिस हैव टू बी मेंशन हेयर एज अ फिफ्थ पॉइंट। अभी अब एक्सचेंज क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट करेगा फ्रॉम द पैनल ऑफ एक्सपर्ट, और ये जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है, नॉ दैट पर्सन इज गोइंग टू वैल्यू द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सो दिस इज गोइंग टू बी सिक्स्थ पॉइंट। नॉ सेवन्थ पॉइंट क्या बोलता है कि यहाँ पे जब फेयर वैल्यू को डिटरमाइन किया जाएगा तो ये जो फेयर वैल्यू है ना, इसकी रिपोर्ट इंडिपेंडेंट वैल्यूअर स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करेगा। सो दिस इज सेवेंथ पॉइंट। अब इसके बाद इस प्राइस पे जो इंडिपेंडेंट वैल्यू डिटरमाइन करेगा उस प्राइस पे कंपनी के प्रमोटर, जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया है उस प्राइस पे कंपनी के प्रमोटर पब्लिक से शेयर्स एक्वायर करेंगे। सो दिस इज एट्थ पॉइंट। एंड इसके बाद शेयर्स एक्वायर करने के बाद अब कंपनी, उसके प्रमोटर, डायरेक्टर, पर्सन इन कंट्रोल, जिसको सिक्योरिटी लॉ कंप्लायंस करना था, ऑल दीज आर गोइंग टू बी मैंडेटरली डिबार्ड फ्रॉम मार्केट फॉर 10 ईयर्स। दिस इज नाइन्थ पॉइंट, क्लियर। सो दीज आर द प्रोविजन विच इज़ पर्टेनिंग टू कंपल्सरी डीलिस्टिंग। एंड विद रिस्पेक्ट टू वॉलंटरी डीलिस्टिंग, नाउ दिस इज समथिंग वॉलंटरी डीलिस्टिंग वी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन।